वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन हम लोग ने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कहां पर हमने ट्रेड मिस किया है। और जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था तो ऊपर में ही कि हमने एक ट्रेड मिस कर दिया है जो कि प्रॉफिट देने वाली अच्छी खासी थी। वहाँ पर 5% का प्रॉफिट हमें आराम से मिल जाता, लेकिन हमारा वो ट्रेड मिस हो गया और मैं उस ट्रेड को पकड़ नहीं पाया। उसके लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन सा वो ट्रेड था और अगर हम इसको नेक्स्ट अगला ट्रेड जो भाई हमारा बनेगा तो वो किस प्राइस पर बनेगा और हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को स्टॉक का नाम बता देता हूँ। देखिए स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक है और इसमें हम लोग ने एक ट्रेड मिस किया है। वो मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच कर लगा कर दिखाऊँगा कि कहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, जिसको हमने मिस कर दिया है। लगभग 2 से 3% तो हमारा चला गया इसमें और 5% का हमें कम से कम वहाँ पर प्रॉफिट मिला होता, लेकिन हमारा प्रॉफिट चला गया। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री कब कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा जो कि कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन होगा। ठीक है, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन लगा करके। ठीक है, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ एक ट्रेंड लाइन, ओके, और यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन लेकर मैं यहाँ पर इसको लगा दिया, ओके। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने लगा दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि ये स्टॉक जब भी इस वाली ट्रेंड लाइन को टच किया है तो यहाँ से ये बाउंस किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार बाउंस किया था सपोर्ट लेकर, 3-4 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, उसके ऊपर बाउंस किया था, फिर ये स्टॉक सीधा ऊपर चला गया था और 900 रुपये का प्राइस यहाँ पर टच किया था। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया और इसी वाली ट्रेंड लाइन पर फिर से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से देखिए स्टॉक ऐसे घूमते घूमते फिर से इसने अपना हाई बनाया जो 954 का बनाया था। उसके बाद कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर थोड़ा दिन, फिर यहाँ इसमें तेज़ी से शार्प गिरावट आई थी। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं, अब यहाँ 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, लेकिन उनसे काफ़ी तेज़ गिरावट आई और 3 से 4 दिन और फिर से आकर ये अपने पिछले वाले ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया जहाँ पर ये इससे पहले ले चुका था एक दो बार। देखिए यहाँ पर लिया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था और फिर देखिए यहाँ पर लिया था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर से जब नीचे आया तो यहीं पर ये स्टॉक सपोर्ट लिया था। देख रहे हैं आप लोग लास्ट टाइम लगभग 4 से 5 बार ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और एक बार देखिए फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो एक जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी थी तो उसके बाद हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता था, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और आप लोग को क्लियर दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर जब सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने, उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी वहीं पर हमारा एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। ये ग्रीन कैंडल बनी, हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए था। फिर से ये ग्रीन कैंडल के बाद जो क्लोज़ हुई तो दूसरे दिन इसके हाई को जब ब्रेक करता तब हमारी एंट्री बनती थी। इसका हाई कितना था, 785 रुपये था। अब यहाँ पर सपोर्ट इसका बन ही चुका था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बन चुकी थी। अब इसके हाई को जैसे ये ब्रेक करता तो हमारी एंट्री पॉइंट एकदम परफेक्ट बनती थी 786 रुपये के आसपास। और स्टॉक देखिए यहाँ पर चला गया 805 रुपये, आज ही गया, मैंने सुबह इस स्टॉक को देखा था तो आज ही इसने 806 रुपये का हाई बनाया था और 786 पे हमारी एंट्री बनती थी। यहाँ पर जैसे ही कल वाले हाई को ब्रेक कर किया था आज इसने तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी, लेकिन हमने इसको मिस कर दिया और काफ़ी दुख हुआ कि मैं ये ट्रेड आप लोगों के लिए नहीं दे पाया और आपका एक प्रॉफिट छूट गया जो कि 4 से 5% तक का यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन छूट गया। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट हमारा एंट्री पॉइंट कब बनता है, ओके। तो एक मैं ऊपर से भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचूंगा और देखेंगे हम लोग कि ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, कि मतलब ये स्टॉक अगर जाता है ऊपर तो कहाँ तक जाएगा, ओके। देखिए ये वाला निकल कर आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर का, तो ये स्टॉक लगभग यहाँ तक जाएगा 827 रुपये के आसपास, तो 27 रुपये वो और 14 रुपये इधर, तो लगभग 40 रुपये का यहाँ पर आपको इजीली प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन 800 रुपये का स्टॉक है और 40 रुपये मतलब 5% ईजीली आपको यहाँ पर मिल जाता, लेकिन हमने ट्रेड मिस कर दिया, छूट गया हमसे वो ट्रेड। तो चलिए मैं इसको सही जगह पर लगा लेता हूँ इस वाली ट्रेंड लाइन को और हम लोग देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी। ऊपर का जो आ रहा है रेजिस्टेंस हमारा बन के वो आ रहा है 827 रुपये के आसपास। देखिए यहाँ पर ये यह जो यहाँ पर कैंडल बनी है रेड वाली, इसका हाई देखिए
और ये जो ऊपर से आ रही है क्रॉस वाली लाइन, तो ये जाकर अब उसको टच करेगा, क्योंकि इसने पिछली बार किया है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था तो ऊपर वाली लाइन को टच करके फिर से नीचे आया था, और एक बार फिर से यहाँ पर इसने कोशिश की थी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। अब ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया पिछले सपोर्ट पर, और यह फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाली लाइन को जरूर ये टच करने की कोशिश करेगा। अब वहाँ से गिरावट आती है कि क्या आता है वो तब देखेंगे हम लोग, लेकिन इस पर नज़र बना कर रखिए आप लोग। जब भी ये स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना एक बार आप लोग, रिमाइंड करा देना कि ये टच कर दिया है या ब्रेक कर दिया है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और काफ़ी लोगों को इससे मदद मिलेगी, ठीक है। अब ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पर जब टच करेगा तो इसको या तो ये ब्रेक कर देगा या तो फिर से यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये शेयर, ठीक है। अगर वहाँ से फिर से नीचे आए तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, लेकिन आगे इसके लिए जगह नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आगे जाकर ये कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा, या तो ऊपर की तरफ करेगा या तो नीचे की तरफ करेगा। एक बार तो यहाँ से जा रहा है, जाने दीजिए उसको, ऊपर वाली लाइन को टच करता है फिर से नीचे आएगा, या तो ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करके वहाँ पर क्लोज करेगा। तो आप लोग इस पर ध्यान देना और मुझे व्हाट्सअप करके बताना कि इसमें एंट्री करने का पॉइंट है कि नहीं, मैं चार्ट देखूंगा उसके बाद आप लोग को बता दूंगा। बस इसको इस वाली लाइन के पास जाने दीजिए, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना है आप लोग एक बार, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब हमें एंट्री कब करनी है इसमें, अब नेक्स्ट वाली एंट्री, वो एंट्री कब करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर ब्रेक कब कर रहा है। तो 827 रुपये का मैंने प्राइस आपको बताया कि 827 रुपये का जब ये प्राइस ब्रेक करेगा, कहाँ गया 827 रुपये, चलिए यहाँ पर मैं पकड़ लेता हूँ इसको 825 रुपये के आसपास, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। चलिए 824 रुपये को मैं पकड़ लिया यहाँ पर, और 825 रुपये का लगभग यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जब ये दोनों को ब्रेक करेगा तब जाकर हमारी यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनती है। ये स्टॉक जाएगा यहाँ पर जो ऊपर वाली कैंडल है उसको टच करेगा, और ये 824 और ये ऊपर वाला जो आ रहा है 827, ये दोनों को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करेगा तब हमारी एंट्री पॉइंट बनती है। तो उसके लिए आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, अगर दोनों लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो जो ये सीधी वाली लाइन है इसको ब्रेक करना इसके लिए बिल्कुल ईजी है, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है क्रॉस वाली इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहाँ से ये स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है या तो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देगा। तो जैसे ये ऊपर की तरफ क्लोज करेगा उसके बाद एक या दो दिन के बाद ऊपर वहाँ पर क्लोज करता है ये स्टॉक, उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री बनेंगी, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट टर्म की और इंटरडे की कॉल वगैरह देता रहता हूं। और दोस्तों अगर आपको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूं, जहां पर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मिस कहाँ पर किया, हमने मिस किया 886 पे जो एंट्री बनती थी वहाँ पर, अगर उससे भी नीचे मिलता तो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ रिस्की था, जो रेड वाली कैंडल थी ना दोनों, यहाँ पर रिस्की था। जब एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी और उसके हाई को जब इसने ब्रेक किया तब हमारी एंट्री बनती थी। यहाँ पर हमने लगभग खो दिया है 20 रुपये के आसपास, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चला गया है 19 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री मत करना, आप लोग फंस सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि 827 जाएगा तो अभी 805 पे चल रहा है तो मैं इसमें एंट्री कर लूँ, ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके 20 रुपये के जो प्रॉफिट है वो चले गए हैं 2.5-3% का, तो अब कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें आपको। तो अगली एंट्री जब दोनों ट्रेंड लाइन को, जो ऊपर वाली दोनों ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारी एंट्री बनती है, जब क्लोज करेगा तो मैं इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगा अगर एंट्री पॉइंट बनती है तो। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।